पास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए। साइको साइको बोलकर मुझे पागल खाने में भेज दिया, और अब जब मेरी बताई गई सारी कहानियां सच हो रही है तब मेरी मदद मांगने आ रहे हैं। ये शिलासपुरा की कोई वियर्ड हिस्ट्री है क्या? सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा, मौत का खेल रचाएगा। पर सिरकट्टे से भी बड़ा खतरा आ रहा है। आएगा ही, क्योंकि वो विधि का संकेत है कि विधान अपना चक्र पूरा करे। जब तक वो चक्र पूरा नहीं होगा तब तक वो काल तुम्हें कष्ट देता रहेगा। 300 साल पहले का वो काल। Something wrong? कभी लगता है सब कुछ सही है, कभी कुछ अजीब सा लगता है। वो वाइन कैबिनेट किसने खोला? वो बुक है। 16th सेंचुरी में कुछ जूश लोग एक रिचुअल करते थे, डिससैटिस्फाइड स्पिरिट्स को बॉडी से अलग करके एक बॉक्स में बंद करने का। वो उन स्पिरिट्स को हिब्रू में शेडन बुलाते थे। पर जो भी हो, इस टीबुक को कभी भी खोलना चाहिए। और उसे लड़ने के लिए मेरे पास एक ही उपाय था, सिरकट्टे की शक्तियां मेरे अंदर समा लेना, ताकि मैं उस खतरे से गांव वालों की रक्षा कर सकूं। इस समय माही जो सोच रही है, देख रही है, महसूस कर रही है, वो वही सब कर रही है जो वो चाहता है। और जो रुपए एक्सोसिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बुक बॉक्सिंग की भी नहीं, जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी तब तक वापस मिल जाएगी। तुम 300 साल पहले की एक अधूरी कहानी का हिस्सा हो, उसे पूरा करने के लिए ही तुम्हारा ये जन्म हुआ है। कहते हैं अगर हिम्मत दिखाओ तो गलत लिया हुआ फैसला भी सही हो जाता है। भरोसा रख। ये बुक बॉक्स में की हुई जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी तब तक वापस मिल जाएगी।